बाकी 6:30 बजे टारगेट है मेला सिर्फ और सिर्फ खाली जी और सॉल मछली का शिकार। हमने गाड़ी अपनी रेडी कर ली है, सामान रख रही है, इधर चारा है, कुछ कपड़े हैं, खाने पीने का सामान नहीं लिया है क्योंकि कुछ इतना बड़ा रुकने का इरादा नहीं है। पीछे मेरे पास जो है अपने डोरे वगैरह जो शिकार का सामान होता है, ये पानी की बोतल वगैरह पड़ी हुई है, तो देखते हैं ये कैसा रहता था जर्मा। चलें जी, आप देख रहे हैं एक्टिव छत घुस गया मेरे पास गाड़ी में, बड़ा तंग कर रहे हैं वो तो गाड़ी, क्योंकि अभी वार्म अप हो रही है तो मैंने जो ना सिंगे बहुत आ रही है मुझे इस वजह से। चलिए ये आया खड़ी पकड़ा। हाँ पकड़ा, ये देखो भाई हमारा जो है ना शिकार एक बिस्मिल्लाह हो गई है, अभी पकड़ा ही हमारे गफूर भाई है, और ये है स्नेक हेड। ये गफूर भाई बिस्मिल्लाह यहाँ से पकड़ा, निकल गया इसका कांटा निकल गया। ये होता है अगर ये सब कुश्ती लड़ता ना, गफूर ने काबू लगाया, कमजोर आदमी है बेचारा, अगर हम ज्यादा कुश्ती लड़ते तो ये अंदर ही इसकी कांटा निकल जाता। आमिर को तो उमर ने मैसेज भी किया था, रापता भी, उसने जवाब ही नहीं दिया, हमको दिया अगर हम कल चले। तुम लोगों का प्लान है इसका, मतलब तू बता नहीं रहा वाकई में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है, सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए, आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा। ये भाई हमारा दूसरा कैच हो गया क्या बोला था मार, अल्लाह ने देना था ना, सही बात है तुम्हारी, वाकई। और ये 1 किलो है, ये इसने मेंढक फंसाया था मुंह में, मेंढक को मारा, और ये लेकिन ये भी धारीदार है। और ये हमारे गुल भाई है, दूसरे भाई है, वो दूसरे भाई है, इससे पहले हमने यहाँ से छोड़ा, ये वाली डोर हमारी जो ना ये जो पीले जल की नजर आ रही थी वो निकल गई हमारे हाथ से ना, ये हमने जैसे ही यहाँ फेंका इसने फौरन पकड़ा, लेकिन ये मेंढक था, वैसे हम दिल पे शिकायत कर रहे थे। लग रहा है तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कार्रवाई के, दोनों दोस्त जो हैं इधर ये दोनों रहता है, ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है, ये कम गुस्से में क्योंकि इसके जो है ना यहाँ हलक तक नीचे जो है ना यहाँ तक कांटा आ गया था, इतने काले जेड ब्लैक हैं क्योंकि धारीदार है ना, काले से सॉल मच्छी मकामी जबान में मुड्डी और अंग्रेजी जबान में हिंजो नालो स्नेक हेड है। इस वक्त अगर मैं इसके मुंह पे हाथ लाऊंगा ना ये मेरा हाथ खा जाएगा, इतना गुस्से में आप देख रहे हैं, डूबे ना रहे। अच्छा ये फूल वाले की नस्बत ये जो है ना ये सी ही खूबी होती है,
जैसी शक्लें देख ली, इनको हम पानी में डालने की कोशिश करते हैं क्या नतीजा निकलता है। ये क्योंकि मैं रोशनी में आया हूँ तो उधर कैमरे का एक्सपोजर वैल्यू भी थोड़ी एडजस्ट हुई होगी। अब मैं इनको पानी में डालने की कोशिश करता हूँ, दोनों भाई छोटे दोस्त बना दें। ये वाला जो है दम छोड़ रहा है, अरे बेचारा मासूम। यस बिल्कुल, सांप की तरह नीचे से सफेद होता है, सर भी देख लें जैसे सांप का, नीचे का पानी का हिस्सा होता है। तो ये ना अभी तो कल मैंने ही समझे जबरदस्ती बिठाया इसको, ये वाला बेहतर लग रहा है। देखते हैं जनाब क्या करते हैं, मर जाएंगे वैसे थोड़ी देर में क्योंकि कांटा तो बड़ा टाइट लगा था। देखिए ना इस तरह इसको चलाओ तो ये सीधा हो जा रहा है, नहीं ये नहीं सीधा हो रहा, ये भी बेचारा कोशिश कर रहा है, जान पकड़ लेगा। देखते हैं जनाब क्या बनता है। अब ये माशाल्लाह लग रहे हैं दोनों सेट हो गए, पहले सीधा वाला था अधमरा वाला था, अब ये नहीं पता लॉन्ग टर्म क्या रहता है ना, हमारा इनको भी लंबा रखने का रहता है, वरना मेरे पर वो ऊपर छत पे टंकी है प्लास्टिक की, उसमें मैं पानी भर के इसमें अच्छी बड़ी टैंक है उसमें डाल सकता हूँ। को काट रहा हूँ क्योंकि दोनों जानवर मर चुके हैं। हमने कुछ घंटे बाद मरे, रात का टाइम हो चुका है, तो मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस जानवर के जो पंख सही है ये मैंने काटनी शुरू कर दी। ऐसे ही कि आप इतना डीप कट लगाए, वैसे तो मुझे ये पंख काटते हुए जो मैंने पंख काटे ऑलरेडी मैंने इतना गहरा काट दिया, मैंने इतना गहरा काटे कि ये ऊपर के गोश्त की लेयर कर दिया, जैसे ये इतनी मोटी अंदर तक न चलेंगे। ठीक है जैसे यहाँ पे ये आंत है, ये गोश्त है, तो आप ऊपर की लेयर पे रखें, इसी तरह आगे चलते चलिए।
फिर डीप कट लगा ले। फिर टेल तक ले जाए। जो दूसरी संबंधी से मछलियां थी उसको टेल तक नहीं ले जाना पड़ता, इनका जो साफ करने का एरिया यहाँ तक खत्म हो जाता। ये मछली ऐसे लंबी है, वो यहाँ से यूं थी, तो यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो उनका तकनीक पेट खत्म हो जाता है। इस हिस्से भी कुछ नहीं होता, इसमें हम अंदर तक जाना पड़ेगा। देख लिया वो पैसे देता हूँ, दे दिया होगा उसने। मैं ये नहीं था कि पहले वो लेके आ जाए, बोला और किसी और को नहीं बोले? नहीं, मगर जिंदा बैठे थे अभी। हाँ नहीं, मर रहे थे बिल्कुल, बिल्कुल लगे। मैं थोड़ी देर बाहर रखा मर गए, वो जितने भी होंगे दे देगा यार। तुम ले आओ, दिल बोल दिए बस देखते हैं। हमें इसका जो है ये छिलके उतारने के बजाय जो कि हम एक तरह से रगड़ के उतारते हैं, इसकी तरफ से उतारते हैं, ऐसे या छुरी से हम इसको उस तरह पील करते हैं। कैसे स्लिप हो गई यार बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ये पार्ट गिरे ये सफेद हो गया, ये इसके छिलके था। अब इसकी बजाय जो है हम इस मछली को इसकी खाल उतार लेते हैं। पाकिस्तान में जो मछली खाई जाती है वो छिलके उतार के खाई जाती है, जैसे मैं इसको अभी छिलके उतार रहा था। जबकि चिकन है हमारे पास वो जो है रोस्ट वगैरह में बारबेक्यू में खाली के साथ खाई जाती है, वैसे हमारे यहाँ जो है बगैर खाली के खाई जाती है। और ये मछली जो है पाकिस्तान में जो फ्राई मिलती है, सालन मिलती है, वो खाल के साथ मिलती है। हम जो पकाते हैं खाल उतार देते हैं, और फ्राई करनी हो सालन बनाना हो तो स्किन के साथ, स्किन उतार के माजरा सिर्फ गोश्त यानी स्किन उतार दी, छिलके तो उतरेंगे किसी भी सूरत में। हाँ अगर फ्राई करनी हो कभी हम जो जैसे ये इतनी ज़्यादा बड़ी मछली नहीं है 1 किलो तक, ये छिलके उतार देंगे खाल लगी रहने देंगे, जब वो फ्राई हम उसको तेज़ करेंगे या कोटिंग के साथ करेंगे तो ये कुदकुदी हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह कंटिन्यू रखता हूँ। मेरे तो कपड़ा जो है ना ये बहुत थिन और बहुत पतला है, इसलिए मेरे हाथ स्लिप हो रहे हैं। मैं ये
इसकी कमर तक पहुंच गया इस साइड से। इस तरह मैं टेल तक कंटिन्यू करूंगा। अब मैं इस मछली पर जो है ना दोनों तरफ से मैंने स्किन इसकी निकाल ली। दोनों तरफ से मुराद अभी तक इससे चिपकी हुई है कमर के पंख के जरिए कमर से। ये देखिए ठीक है। अब हम इसको दुम के इस कोने से पकड़ लेंगे क्योंकि बहुत से अपने साथ कमर के कांटे भी लेती हुई आएगी। ये हमारी इसकी खाल हो गई चमड़ा हो गया। अब आप देख लें ये स्नेक लगता है नहीं लगता। इधर से वाइट इधर से चिपका बड़ा गिरे पीला इधर से गिरे इधर से बिल्कुल जा रहा लेग भी देख लें। अगर मैं इस मछली को सर के साथ पील करता तो मुझे पील करते हुए यहाँ से पकड़ के बहुत आसानी होती इसकी खाल उतारने में। मुझे इस वक्त जो मुश्किल आ रही है मछली जो है अपनी जो लेस छोड़ती है चिकनाहट छोड़ती है मछली वो छोड़ी हुई है। दूसरी बात ये कि कपड़ा मेरे पास बहुत थिन है। हम पुराने कपड़े जो यूज़ किए होते हैं उनको इस काम के लिए छोटे मोटे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं गार्बेज कर देंगे। बस हम यहाँ से को खींचना शुरू करेंगे। वो जनाब थोड़ा सा अपना हम जब खाल के बीच में पियर्स करेंगे ये तो ये खिंचती चली जाएगी। बाकी वही तरीके का जो मैंने उस मछली पर किया। दोस्तों सलाम अलैकुम। ये हमारा असल माल है कि मच्छी बन गई है। मैंने अपने टूल्स धो दिए। ये कुछ थोड़ा बहुत जो गन है वो ड्रेन हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत गन हो गया बाकी सारा मैंने इसमें जमा कर लिया। और इस तरह हमारे आज का सॉल्व जो है इसका एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मसाला लगाएंगे पकाएंगे तलेंगे इसको। ये हो गई स्किन फ्री। अब मैं मुकम्मल तौर पे काम पूरा हो गया अभी हमारी चल जाएगी फ्रिज में फ्रीजर में नहीं और कल अल्लाह ने चाहे तो पक जाएगी। फ्रीजर में डाला मज़ा नहीं है भाई। ये मसला ये हमारी सोच है फॉर्मूला पता नहीं कितना ठीक है।